हम अपने इन क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए हम लोग इस अवसर पर इस वर्ष प्रारंभ किए हैं काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव का एक कार्यक्रम। आज ये समारोह प्रदेश भर में हो रहा है, हर जनपद में हो रहा है। मंत्रीगण भी गए हैं, माननीय सांसदगण भी हैं, माननीय विधायकगण हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, अलग अलग जनपदों के कार्यक्रम में और शामिल होकर के विद्यार्थियों के साथ, क्रांतिकारी परिवारों के साथ, शहीद परिवारों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ, वीर नारियों के साथ इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार आगे चलेंगे। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में अभी आज ये कार्यक्रम होंगे। आज हर शहीद स्मारक पर राष्ट्र धुन के साथ पुलिस, पीएसी, अर्धसैनिक बल, सैनिक, सेना, होमगार्ड, एनसीसी, इन सब के बैंड की धुन भी बजती हुई दिखाई देगी। ये अपने क्रांतिकारियों के प्रति, शहीदों के प्रति एक सम्मान का प्रतीक और एक कार्यक्रम लगातार चलेगा। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का अभियान चलेगा। हर घर में तिरंगा, भारत की आन मान शान का प्रतीक, भारत का राष्ट्रध्वज हर घर के ऊपर पहराया जाएगा, हर संस्था के ऊपर पहराया जाएगा। और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ तिरंगा हर घर के ऊपर फहराने के एक बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर प्रदेश सरकार के साथ साथ सभी विभाग और जिला प्रशासन, सभी संस्थाएं मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं। एक वर्ष तक चलने वाला एक कार्यक्रम, कल आपने देखा होगा कि ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के इस पूर्व संध्या पर राष्ट्रभक्ति के गानों की भी एक संध्या हर जनपद में आयोजित हुई। ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने उस कार्यक्रम में सहभागिता की, हमारे कलाकारों ने सहभागिता की, स्थानीय कलाकारों का एक मंच मिला अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। लेकिन इसके साथ आगे एक कार्यक्रम चलेंगे जनपद स्तर पर, सुलेख लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, अन्य सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, ये सभी होंगी। फाइन आर्ट से क्रांतिकारियों के चित्रों को उल्लेख करते हुए, जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय फाइन आर्ट विभाग के बच्चों ने यहां पर काकोरी शहीद मंदिर में क्रांतिकारियों के चित्रों को कितने बेहतरीन तरीके से उकेरा है, वहां पर अगर आप देखेंगे। और ललित कला विभाग ने भी यहां पर देखा है कितने अच्छे चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है यहां के छात्रों के साथ मिलकर के। बहनों और भाइयों, वर्ष भर चलने वाले इन कार्यक्रमों में हम सबकी सहभागिता हो। हम अपने उन महान बलिदानियों को, हम भारत माता के इन महान सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस विश्वास के साथ यह आयोजन आज यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है।